स्मॉग गन्स लगाई गई है। प्रदूषण कम करने के बाकी उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी दिल्ली एनसीआर की हवा का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। ऐसे में कोरोना के मामले और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए जगह जगह सरकार ने एंटी स्मॉग गन्स लगाई। ये सारे कदम सुप्रीम कोर्ट की उस ताकीद के बाद उठाए जा रहे हैं जो उसने केंद्र को दी थी कि राजधानी में प्रदूषण कम किया जाए। की खबरों के बाद रुख दिल्ली का करते हैं, क्योंकि प्रदूषण लगातार यहां पर बढ़ता जा रहा है और एनजीटी सख्ती करने वाला है। एनजीटी 7 से 30 नवंबर तक दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी में है। जहरीली हो चुकी हवा के खतरनाक स्तर पर पहुंचने से पहले बीजिंग में पहली बार रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद यहां 3 दिन के लिए सभी स्कूल, आउटडोर कंस्ट्रक्शन वर्क, सब कुछ बंद रहेगा। ऐसे में अब ये बात उठ रही है कि वैश्विक आतंकवाद जैसे मसले पर गंभीर दुनिया को अब प्रदूषण के इस आतंकवाद से निपटने के लिए जरूरी कदम क्या नहीं उठाने चाहिए। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक रेड अलर्ट सबसे हाई लेवल की चेतावनी है और इससे पहले ये कभी जारी नहीं किया गया था। स्थानीय प्रशासन को आशंका है कि आने वाले 3 दिन तक धुंध बहुत ज्यादा रहेगी। चीन की मीडिया के मुताबिक हालत इतनी खराब हो गई थी कि पिछले हफ्ते बीजिंग के कई हिस्सों में विजिबिलिटी महज 200 मीटर रह गई थी। इससे पहले पिछले महीने की 30 तारीख को बीजिंग स्मॉग से बेहाल था, जिसके बाद उस दिन खतरे का सेकेंड लेवल यानी कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। बीजिंग में यूएस एम्बेसी ऑपरेटेड एयर पोल्यूशन मीटर के मुताबिक यहां की दिल्ली में प्रदूषण बीते 2 महीनों में 7% बढ़ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का 150 से 300 पॉइंट के बीच रहना बुरा माना जाता है। इंडेक्स का 300 से 500 पॉइंट के बीच रहना जोखिम भरा माना जाता है, लेकिन दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट भी पार कर चुका है, जो कि बेहद खतरनाक है। इन सब आंकड़ों के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि हम कब इस खतरनाक होती स्थिति से निपटने के लिए कारगर कदम उठाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण के मानकों को लेकर वक्त रहते अगर गंभीरता नहीं दिखाई गई, तो शायद बहुत देर। Which are the number plates that can fly on a particular day? It's even stricter, I'm told, than the odd-even system that India had used or adopted in some point in time. The other things that have been used is that all manufacturing and fossil fuel-based manufacturing has absolutely been moved out of Beijing. Even where they've moved, there are strict rules and regulations in terms of air pollution and ensuring that they're not polluting. Cars have to ensure that they're not polluting. Their emission levels have to be at their lowest. And fossil fuel-based energy systems and heating systems certainly out of the city. Strict rules, best practices that many other cities of the world are looking at, and India should also look at adopting, ensuring that Delhi and many other cities of India are better to live in with lesser air pollution. In Beijing, of the national capital and India for that matter, of the world's 30 most polluted cities, 22 are in our country, with the national capital being ranked as the most polluted capital city in the world.